आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम पांचवा चैप्टर चुंबकत्व तथा मैटर यानी चुंबकत्व तथा पदार्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको बतला रहे हैं हमेशा कि आखिर चुंबकत्व तथा पदार्थ में चुंबक क्या है, चुंबक के बारे में आपको बतला रहे हैं सुन इसकी कुछ कहानी, चुंबक मैग्नेट। ध्यान देना है इसमें, भले मैग्नेट के बारे में विशेष ज्ञान इस समय है, परंतु हजार वर्ष ईसा पूर्व पहले भी यानी 1000 वर्ष पूर्व भी मैग्नेट के बारे में पूर्ण रूप से मालूम तो नहीं था, लेकिन कुछ आंशिक रूप से मैग्नेट के बारे में मालूम था। तो बहुत पहले ऐसी कहानी है इसमें कि एक गडेरिया था जो क्या है इसमें भेड़ चराते चराते एक पहाड़ी के निकट मैग्नीशिया शहर में पहुंचा, तो वहां चट्टान से उसके छड़ी अट्रैक्ट किया, उसके छड़ी में लोहा का कीप लगा था, और जब चट्टान के पास छड़ी पहुंची तो वहां चट्टान अट्रैक्ट कर रहा था, तो लोग समझे कि कोई जादुई चीज़ है, छड़ी को यहाँ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे पता चला कि छड़ी के नीचे जो लोहे का कीप है, तो लोहे के कीप को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब रहा कि चुंबक जो है वह लौह पदार्थ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, यानी चुंबक जो है वह लोहे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और यह जो चुंबक है इसमें लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट होता है। चुंबक क्या होता है तो कहिएगा कि यह चुंबक जो होता है यह लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट है। इसी के नाम पर चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहा गया, हम लोग चुंबक कहते हैं। तो यह लोहा का अयस्क क्या है सुन, मैग्नेटाइट है। चुंबक जो है वह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा निकेल कोबाल्ट को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक के बारे में चुंबक मैग्नेट, चुंबक क्या करता है सुन, यह लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा निकेल को आकर्षित करता है, स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को लटका देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण के दिशा में ठहरता है। तो कहिएगा इसमें कि चुंबक के बारे में कि वैसा पदार्थ जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्र पूर्वक लटका देने से सदैव उत्तर दक्षिण के दिशा में स्थिर रहता है, चुंबक कहलाता है। तो मैग्नेट के बारे में आपको बतला रहे हैं कि चुंबक क्या है इसमें, तो क्या कहिएगा कि चुंबक या लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कहेंगे हम कि चुंबक लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्र पूर्वक लटकाने से सदैव उत्तर दक्षिण के दिशा में ठहरता है। तो क्या रहा चुंबक का परिभाषा रहा, चुंबक लौह वस्तु का मतलब रहा इसमें। हम यहाँ लौह वस्तु के मतलब लिख दे रहे हैं लोहा निकेल कोबाल्ट, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं लौह वस्तु यानी लोहा निकेल कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है तथा स्वतंत्र पूर्वक लटकाने से सदैव उत्तर दक्षिण के
दिशा में ठहरता है। तो अब रहा कि चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं सुन, तो चुंबक के बारे में जाने सुन कि चुंबक लौह वस्तु है को अपनी ओर क्या करता है सुन, आकर्षित करता है। एक चुंबक होता है और एक चुंबकीय पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो चुंबक जो आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाता है, और जो आकर्षित हो जाता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो चुंबक जो जिसमें आकर्षित करने का गुण होता है वह मैग्नेटाइट, जिसमें आकर्षित करने का गुण होता है चुंबक कहलाता है, और जो आकर्षित हो जाता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो अब हम आपको बतला रहे हैं सुन किसके बारे में, कि चुंबक के बारे में। तो चुंबक क्या है सुन, तो ध्यान दीजिएगा सुन कि चुंबक, तो चुंबक तो जानते हैं सुन, जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्र पूर्वक लटका देने से सदैव उत्तर दक्षिण के दिशा में स्थिर रहता है, चुंबक कहलाता है। अब रहा चुंबकीय पदार्थ, जिसे कहते हैं हम मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ध्यान रखना है इसमें। तो वैसा पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा, चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय, सॉरी चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो चुंबकीय पदार्थ और चुंबक दोनों दो चीज़ है, जो आकर्षित करता है वो चुंबक है, और जो आकर्षित हो जाता है वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तो जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो होता है इत्यादि, ये सब क्या है सुन, चुंबकीय क्या है सुन, पदार्थ है। तो वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जो आकर्षित हो जाता है चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ, जो आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो याद रखिएगा सुन, जो पदार्थ आकर्षित होता है उसे हम क्या कहते हैं सुन, चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, और जो पदार्थ आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट का प्रकार में हम देखेंगे इसमें, देखना है सुन चुंबक के प्रकार। तो चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक तथा दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक वैसा चुंबक जो प्राकृतिक प्रदत्त हो, जो ईश्वरीय हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है इसमें वह क्या होता है, कमजोर होता है। ये क्या होता है सुन, प्राकृतिक चुंबक कमजोर होता है तथा यह अनियमित आकार का होता है। क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक वैसा चुंबक होता है जो प्राकृतिक प्रदत्त हो, प्राकृतिक चुंबक जो होता है वह कमजोर होता है तथा अनियमित आकार का होता है। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, तो वैसा चुंबक जिसको मानव ने बनाया है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक में वैसा चुंबक जो क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त हो, प्राकृतिक जो चुंबक होता है वह कम शक्तिशाली होता है तथा अनियमित आकार का होता है। जैसे माने खानों से निकालते हैं जो चुंबक नेचुरली, तो वह क्या होता है, उसमें सुधियाँ होती है, वह कम शक्तिशाली होता है और वह नियमित आकार माने निश्चित शेप में नहीं होता है, अनिश्चित शेप में होता है प्राकृतिक चुंबक। दूसरा कृत्रिम चुंबक, वैसा चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो, और मानव द्वारा निर्मित हो वह निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि से क्या है सुन, या धारावाहिक कुंडली से बनाया जाता है, ये कृत्रिम चुंबक होता है।
तो कृत्रिम चुंबक वैसा चुंबक जो मानव निर्मित हो यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है तथा इसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है सुन, यह मानव द्वारा निर्मित होता है, यह अधिक शक्तिशाली होता है तथा इसे इच्छा अनुसार शेप या आकार दिया जा सकता है। अब रहा सुन, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई चुंबक और दूसरा क्या है, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक क्या है सुन, स्टेबल मैग्नेट वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व जल्द नष्ट नहीं होता है उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। माने वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व क्या होता है सुन, जल्द नष्ट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अस्थाई चुंबक। तो कहिएगा सुन, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व जल्द नष्ट नहीं होता है यानी वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व क्या है, चुंबक के गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व। तो वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व जल्द नष्ट यानी यथाशीघ्र नष्ट नहीं होता है अस्थाई चुंबक कहलाता है। अस्थाई चुंबक जो होता है इस्पात कोबाल्ट निकेल से बनाया जाता है। दूसरा है आपका अस्थाई चुंबक, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व जल्द या यथाशीघ्र नष्ट हो जाता है अस्थाई चुंबक कहलाता है। तो वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व जल्द या यथाशीघ्र नष्ट हो जाता है उसे अस्थाई चुंबक कहा जाता है। तो अब इसके बाद देखिएगा इसमें, जैसे अस्थाई चुंबक में जैसे मान धारावाही प्रणालिका है या किसी नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाया गया जो विद्युत चुंबक है इसमें, तो विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक है। और इस्पात कोबाल्ट तथा निकिल से बना जो चुंबक होता है अस्थाई चुंबक होता है, और जो विद्युत चुंबक होता है वो अस्थाई होता है। करंट जितना ही जाएगा इसमें, नर्म लोहे के पट्टी पर तांबे के तार को लपेट कर उसमें करंट भेजेंगे, जितना ही अधिक करंट जाएगा उतना ही उसका क्या होगा इसमें, चुंबकत्व तो अधिक होगा, करंट कम चुंबकत्व तो कम। करंट को बंद कर दीजिएगा चुंबकत्व तो भी नष्ट हो जाएगा। तो अस्थाई चुंबक का चुंबकत्व तो जल्द नष्ट नहीं होता है, जबकि अस्थाई चुंबक का चुंबकत्व यथाशीघ्र नष्ट हो जाता है। तो अब हम आपको बतलाएंगे सुन कि आखिर चुंबक का गुण क्या है, चुंबक की क्या क्या विशेषता है। देखना सुन, चुंबक का गुण क्या है सुन, तो चुंबकीय पदार्थ कौन है, जो आकर्षित हो जाता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। तो चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा निकिल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या कहिएगा सुन, चुंबक चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा निकिल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका देने से, और चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं इसमें तो वह सदैव क्या होता है इसमें, उत्तर दक्षिण के दिशा में स्टे करता है। तो ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या है इसमें साउथ, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो हिलेगा, लास्ट में क्या है वो नॉर्थ और साउथ में ही जाकर क्या होता है, स्टे होता है। यानी चुंबक स्वतंत्र पूर्वक लटका गया, चुंबक सदैव क्या होता है, उत्तर दक्षिण के दिशा में क्या होता है, स्थिर रहता है। आप लोग भी बात जानते हैं पहले से भी, चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर विकर्षण
तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि प्लस प्लस चार्ज के बीच विकर्षण, माइनस माइनस चार्ज के बीच विकर्षण और प्लस माइनस के बीच आकर्षण। उसी तरह चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं सुन? दो ध्रुव होते हैं, एक होता है ध्रुव N और एक ध्रुव जो होता है सुन S। तो अगर चुंबक के पास एक अन्य चुंबक को S ध्रुव को लाएंगे यहाँ, तो S S के बीच क्या होगा? समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होगा। जिस तरह समान चार्ज के बीच विकर्षण होता है, तो S S ध्रुव को लाएंगे तो एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। अगर यहाँ क्या है, S यहाँ N कर देते हैं इसमें और ये से, तो असमान ध्रुवों के बीच क्या अट्रैक्शन होगा? ये दोनों क्या होंगे? ऐसे सटेंगे। अगर मान लीजिए अब यहाँ S रहा, ये क्या रहा आपका S रहा, ये क्या है N है। अगर क्या है, समान ध्रुवों को निकट लाएंगे तो दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी विकर्षण होगा। अगर यहाँ क्या कर दे सुन, ये एस से और यहाँ क्या कर दे हम एन कर दे, इसको एस कर दे, तो अब क्या होगा, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के निकट जाएंगे। ठीक है, अब रहा सुन, दोनों एन एन कर दीजिएगा तो अभी एक दूसरे के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। तो कहिएगा कि चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर विकर्षण होता है, यानी एन एन पोल को लाएंगे, दो चुंबक के एन पोल को लाएंगे या एस पोल को लाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। एक का एन दूसरे को एस को लाएंगे तो दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब रहा सुन, चौथा, चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, यानी अगर आप चाहिएगा कि चुंबक को हम काट कर एक ध्रुव को अलग कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। चुंबक में जब भी मिलेंगे दो ध्रुव मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ, यानी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अगर इसको काट देते हैं इसमें, तो इसमें एन एस बन जाएगा, इसमें एन एस बन जाएगा। जो वो जयू काटिएगा तयू क्या होगा इसमें, चुंबक में एन एस बनेगा। तो यानी कहने का अर्थ रहा कि चुंबक में एक ध्रुव को काट कर अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अब इसके बाद देखना है सुन, यहाँ क्या है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व तो उत्पन्न करता है। इसको हम बतला रहे हैं आपको कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा क्या करता है सुन। चौथा नंबर देखिएगा, चुंबक ये तो चौथा देखिए कि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व तो नहीं होता है। अब यहाँ देखिएगा पाँचवा में कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि चुंबक है इसमें, ये मैग्नेट है, इसके पोल है एन और क्या है एस है। तो ये चुंबक है इसमें, ये क्या है सुन, चुंबक है, मैग्नेट है और यहाँ कोई चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ का मतलब रहा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, जो चुंबक द्वारा खींचा जाता है, जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है। तो क्या है आपका, यहाँ देखिएगा लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो अब देखिए यदि चुंबक के चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, क्योंकि तो चुंबक के निकट यदि चुंबकीय पदार्थ लोहा को रखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है और इसके विपरीत पोल उत्पन्न कर लेता है, यानी एस के निकट क्या है एन और क्या दूरस्थ सिरा पर क्या कर लेता है एस उत्पन्न कर लेता है, यानी लोहा भी क्या होता है, चुंबक बन जाता है। तो कहिएगा इसमें कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ में, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ, लोहा क्या है सुन, चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ है लोहा और इसके निकट किसी चुंबक को रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक बन जाता है। इसमें दो ध्रुव एन तथा कौन है सुन, एस है। तो अब बताइएगा जो क्या होता है, चुंबक के अपोजिट होता है, अपोज होता है। अब रहा सुन कि चुंबक को गर्म करने पर या बार बार क्या है ऊपर से गिराने पर या हथौड़े से पीटने पर, तो चुंबक को गर्म कीजिए या बार बार क्या है सुन धरातल पर गिराइए उठाइए या उसको हथौड़ा से पीटिएगा, तो उसका क्या होता है सुन, चुंबकत्व तो जो होता है सुन वह नष्ट हो जाता है। तो ये क्या रहा है सुन, चुंबक के गुण रहा। तो आप देखिए सुन, इसको याद रखिएगा कि यदि किसी चुंबक के निकट चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को लाते हैं तो वह चुंबकीय पदार्थ भी क्या होता है, चुंबक बन जाता है। वह चुंबकीय पदार्थ भी क्या बनता है, क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है, यानी चुंबक हो जाता है, जिसका पोल मैग्नेट के पोल के क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चुंबक का गुण याद रखना है सुन कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ दूसरा क्या है सुन साउथ। स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में स्टे करता है। दूसरा
क्या है सुन, कि अगर किसी चुंबक की एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, किसी चुंबक के निकट चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वह चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है और अपना पोल जो है क्या होता है, मैग्नेट के अपोज रखता है। इसके बाद रहा है सुन कि चुंबक को गर्म करने या बार बार गिराने से या हथौड़े से पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। देख रहा है सुन, कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन सम डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा चुंबकत्व में। पहला है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण क्या है सुन, चुंबकीय प्रेरण में कहिएगा सुन कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है, जानते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है। इसके साथ ही क्या होता है सुन, उसमें उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के विपरीत क्या होते हैं, ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सुन, ये क्या है कि चुंबकीय पदार्थ है सपोर्टेड, जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ है। लोहा क्या है आपका, चुंबकीय पदार्थ है। लोहा मान लीजिए, लोहा निकल जो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। यहाँ क्या है सुन, मैग्नेट लाए सुन, तो इस स्थिति में N है और S है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, क्या है, चुंबक है। तो अब तो आप जानते हैं सुन, चुंबक ही मैग्नेट है। अब किसी चुंबकीय पदार्थ के निकट अगर चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ के सिरे पर विपरीत प्रकार के ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। यही क्या होता है सुन, यह चुंबकीय प्रेरणा कहलाता है। ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं तो ध्रुव बन जाते हैं, अर्थात चुंबकीय पदार्थ, अर्थात चुंबकीय पदार्थ है चुंबक बन जाता है, चुंबक बन जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अर्थात चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबक बन जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो यह चुंबकीय पदार्थ है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, जो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। इसको मैग्नेट चुंबक के निकट रखते हैं तो इसमें N और S है, तो इसके विपरीत इसमें क्या होते हैं सुन, पोल्स उत्पन्न हो जाते हैं, यानी N की ओर यहाँ क्या है S और यहाँ क्या N। तो जब ऐसे हो जाता है S और N तो ये भी क्या होता है, चुंबक बन जाता है। यानी जब चुंबकीय पदार्थ के निकट चुंबक, सटाएंगे नहीं, निकट रखेंगे, जब चुंबकीय पदार्थ के निकट चुंबक को रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक बन जाता है। और इसके क्या होता है, इसके ध्रुव जो होते हैं वह चुंबक के ध्रुव के विपरीत होते हैं, यानी N की ओर S होता है और दूरस्थ पर क्या होता है, N होता है। कोई दिक्कत, तो आप कहिएगा ऐसे कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ के पास चुंबक लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक बन जाता है और चुंबकीय पदार्थ का जो ध्रुव होता है वह चुंबक के क्या होता है, अपोज होता है, विपरीत होता है। अब दूसरा चुंबकीय याम्योतर, अब दूसरा हम पढ़ेंगे सुन, चुंबक अब देख रहा है सुन, इसमें चुंबकीय याम्योतर आता है तो चुंबकीय प्रेरण देखे सुन, उसके बाद चुंबकीय याम्योतर बताया जा रहा है कि स्वतंत्र पूर्वक लटके छह चुंबक की चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय याम्योतर कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योतर मैग्नेटिक के मेरिडियन। तो आप बताइए, छड़ चुंबक, मान लीजिए कि छड़ चुंबक है सपोर्टेड, इसमें मान लीजिए छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक का N है और ये क्या है, S है। तो ये छड़ चुंबक का N और S है, तो इसके ऊर्ध्वाधर जो समतल है सुन, ये जो समतल है, जो इसके प्लेन है, इसका प्लेन, इस रूप में ऊर्ध्वाधर जो समतल है, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योतर। यानी क्या कहिएगा सुन, तो चुंबकीय अक्ष से, तो चुंबक अक्ष समझ रहे, चुंबक का अक्ष कौन है, चुंबक के ध्रुव N और S है, तो चुंबक का अक्ष यही है, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष, ध्यान दीजिएगा। चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या है, मान लीजिए कोई दे दे ऐसे चुंबक, ये N है और ये S है, तो इसमें चुंबकीय अक्ष क्या होगा,
तो चुंबकीय अक्ष जब कोई पूछेगा तो कहिएगा कि चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। यही क्या है सुन, चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहाँ क्या लिखे हम, चुंबकीय यानो तो स्वतंत्र पूर्वक लटका गया चुंबक। तो स्वतंत्र पूर्वक लटका गया चुंबक तो आप जानते हैं सुन, ऐसे नॉर्थ और साउथ होता है, स्वतंत्र पूर्वक लटका गया चुंबक एन और क्या सुन एस। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो, एन और दूसरा क्या है सुन एस। तो स्वतंत्र पूर्वक लटके चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला क्या है सुन, ऊर्ध्वाधर जो समतल होता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो समतल होता है उसी समतल को क्या कहते हैं, चुंबकीय या मोद। तो ये क्या है सुन, ये तो है आपका चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या है, चुंबकीय अक्ष। और ये क्या है सुन, चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो समतल है, ये जो समतल है प्लेन जो है, ऊर्ध्वाधर जो समतल है, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योतर। क्या कहेंगे सुन, चुंबकीय याम्योतर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आप जान गए मैग्नेटिक मेरिडियन, स्वतंत्र पूर्वक लटके छड़ चुंबक, स्वतंत्र पूर्वक लटके छड़ चुंबक की चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो समतल होता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योतर कहते हैं। तो ये क्या है सर, चुंबकीय अक्ष है, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। और इस चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो समतल है इसमें, उस समतल को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योतर मैग्नेटिक मेरिडियन। कोई दिक्कत, अब आपको हम बतला रहे हैं सुन यहाँ कि दूसरा क्या है सुन, उदासीन रेखा। कौन रेखा, उदासीन रेखा क्या है, तो उदासीन रेखा के बारे में बतला रहे हैं सुन, ध्यान से देखिएगा। तो उदासीन रेखा में कहिएगा सुन, तो उदासीन रेखा छड़ चुंबक के केंद्र से होकर उसके लंबाई के लंबवत, तो छड़ चुंबक है इसके केंद्र बीच में होगा, केंद्र हो से होकर लंबाई के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, लंबाई के लंबवत खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, यही काल्पनिक रेखा क्या होता है, उदासीन रेखा, या क्या कहेंगे हम, निरक्षीय रेखा, निरक्ष क्या कहेंगे सर, अथवा चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। तो कहिएगा सर कि छड़ चुंबक के केंद्र से चुंबक के लंबाई के लंबवत, तो लंबाई ऐसे है, लंबाई खड़ा में इसके लंबवत मैं 90 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं सुन, उदासीन रेखा। क्या कहेंगे सुन, तो क्या कहिएगा, चुंबक के केंद्र से, केंद्र ये लंबाई के लंबवत, लंबाई ऐसे, तो अब वाई में अगर लंबाई हो तो उसका लंबवत एक्स में होगा, तो वह जो काल्पनिक रेखा होगा वही क्या कहलाएगा, उदासीन रेखा या चुंबकीय निरक्ष कहलाता है, जिसे न्यूट्रल लाइन कहते हैं, उदासीन रेखा कहते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है, कौन लंबाई है, चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है। तो ध्यान से देखिएगा सुन, तो आप जान गए उदासीन रेखा कि क्या है सुन, छड़ चुंबक के केंद्र से लंबाई के लंबवत, लंबाई इसमें है, इसके लंबवत खींची गई जो रेखा होती है उदासीन रेखा होती है। अब चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है, तो प्रभावी लंबाई क्या है और ज्यामितीय लंबाई क्या है जान लीजिए, उसके बाद चुंबकीय अक्ष में बदला रहे हैं सुन। तो अगर मान लीजिए कि कोई कहता है सुन कि चुंबक है, तो चुंबक में दो ध्रुव, एक एन है दूसरा क्या है सुन एस है, तो चुंबक का प्रभावी लंबाई क्या है, चुंबक के ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है सुन उसी को कहते हैं चुंबक का प्रभावी लंबाई। क्या कहलाएगा, चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी, तो चुंबक का ध्रुव जो होता है सुन इंड सिरा से, चुंबक के इंड सिरा से थोड़ा सा अंदर होता है, यानी चुंबक के इंड सिरा समाप्त सिरा से थोड़ा सा अंदर होता है, यानी चुंबक के सिरा से थोड़ा सा अंदर होता है ध्रुव। तो चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं सुन, चुंबक का प्रभावी लंबाई। क्या रहा है सुन, तो ये चुंबक का प्रभावी लंबाई।
तो कहिएगा सुन, चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? चुंबक का प्रभावी लंबाई। और एक ज्यामितीय लंबाई होता है सुन, तो चुंबक के क्या इंड सिरा से यहाँ से यहाँ तक का जो बीच की, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। और चुंबक के सिरों के बीच की जो दूरी होता है उसे हम कहते हैं सुन ज्यामितीय लंबाई। कौन लंबाई? ज्यामितीय लंबाई, ध्यान रखिएगा सुन, ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिक लेंथ। तो अब बताइएगा, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है? तो ध्रुवों के बीच, ध्रुवों से ध्रुवों को मापिएगा तो वह जो डिस लेंथ होगा वो क्या होगा? चुंबक का प्रभावी लंबाई होगा। और चुंबक के सिरा टू सिरा से मापिएगा तो क्या होगा सुन? ज्यामितीय लंबाई होगा। अब कोई कहेगा सुन, तो चुंबक का प्रभावी लंबाई समझ गया, चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबक का प्रभावी लंबाई। चुंबक के ध्रुवों के बीच का ही लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच का लंबाई चुंबक का प्रभावी लंबाई। और चुंबक के सिरों के बीच की दूरी जो होती है वह ज्यामितीय लंबाई है। तो स्वाभाविक है कि ज्यामितीय जो लंबाई है वह चुंबक का प्रभावी लंबाई से अधिक है। ज्यामितीय लंबाई चुंबक के प्रभावी लंबाई से क्या है? अधिक है। अगर कोई कह दे सुन, यहाँ याद रखिएगा, चुंबक का प्रभावी जो लंबाई होता है, प्रभावी लंबाई 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, याद रखिएगा। जो कोई कह दे आपसे कि चुंबक का प्रभावी लंबाई कितना होगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता भी है 5/6 से क्या रहा है सुन, तो चुंबक का प्रभावी लंबाई 5/6 ज्यामितीय लंबाई। यदि कोई कह दे सुन कि चुंबक का ज्यामितीय लंबाई 36 cm है, चुंबक का ज्यामितीय लंबाई कितना है सुन? 36 cm है, तो प्रभावी लंबाई क्या होगा? तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू 5/6 इंटू क्या होगा? ज्यामितीय लंबाई 36, तो कितना रहा है सुन? 5 × 6 = 30, यानी 30 cm होगा। यदि ज्यामितीय लंबाई 36 cm है तो प्रभावी लंबाई कितना हुआ? 30 cm। कोई दिक्कत? तो आप जान गए चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई प्रभावी लंबाई होता है, और चुंबक के सिरों के बीच की लंबाई क्या होता है? ज्यामितीय लंबाई होता है। ज्यामितीय लंबाई प्रभावी लंबाई से अधिक होता है। चुंबक का प्रभावी लंबाई इजिकल टू 5/6 से ज्यामितीय लंबाई। कोई दिक्कत? तो अब आपको यहाँ बतलाया जा रहा है सुन किसके, अब पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण। तो ध्यान रखना सुन, आप देखते हैं कि जब किसी मैग्नेट को, चुंबक को अगर लोहे के चूर्ण में फेंक देते हैं तो सबसे अधिक लोहा का चूर्ण मैग्नेट के सिरों से अट्रैक्ट होता है। सबसे ज़्यादा लोहा का चूर्ण मैग्नेट के सिरों से क्या होता है सुन? अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। तो आकर्षित होता है सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक मैग्नेट के सिरा अर्थात ध्रुवों पर क्या होता है सुन? अट्रैक्ट होता है। ऐसे फेंकते तो सबसे अधिक क्या लोहा का चूर्ण ध्रुवों पर अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब चुंबक में सबसे अधिक ध्रुवों द्वारा आकर्षण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी ध्रुव का जो सामर्थ्य होता है, ध्रुव को जो आकर्षित करने का सामर्थ्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुवों का जो अट्रैक्ट करने का जो होता है कैपेसिटी होती है वही क्या होता है? ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता। तो यहाँ क्या है सुन, एन और एस से, तो एन और एस इन ध्रुवों का ध्रुव प्रबलता को स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ध्रुव प्रबलता, माने ध्रुवों की कैपेसिटी, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या रिपेल्ड करने की कैपेसिटी क्या कहलाता है? ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य एक ही चीज़ है सुन, याद रखिएगा। पुल स्ट्रेंथ का अर्थ रहा है सुन ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, पुल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं सुन? स्मॉल एम से। किसी मैग्नेट के पुल स्ट्रेंथ जो होते हैं स्मॉल एम सेम होते हैं। तो क्या कहिएगा सुन कि चुंबक के ध्रुवों का सामर्थ्य होता है, पुल स्ट्रेंथ होता है, इसको स्मॉल एम से क्या करते हैं सुन? डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ रहा है सुन कि आखिर चुंबकीय आघूर्ण क्या है।
तो क्या कहेंगे सुन चुंबकीय आघूर्ण में कि चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य मान लीजिए n है, स्मॉल n, s है, स्मॉल है, ध्रुव सामर्थ्य को किससे लिखते हैं स्मॉल m से, ये क्या सुन s है, ध्रुव सामर्थ्य को किससे लिखते हैं स्मॉल m से, तो क्या कहिएगा सुन इनके बीच की दूरी कितनी होती है, आप भी जानते हैं 2L, क्या होती है 2L, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है सुन 2L, तो आप तो जानते हैं सुन कि बीच की दूरी जो है क्या है सुन 2L, ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है सुन 2L, तो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट को किससे लिखते हैं m से, तो कहिएगा सुन कि चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य तथा इनके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं सुन चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहिए या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम बराबर क्या होगा सुन, तो कहिएगा सुन कि चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य तथा दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं स्वयं चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, क्या कहेंगे आप परिभाषा लिख सकते हैं अब इससे कि क्या कहिएगा चुंबकीय आघूर्ण को किसे लिखते हैं कैपिटल एम से, चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य स्मॉल एम तथा दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल 2L का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं सुन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो अब बताइएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक के सदिश राशि है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, वेक्टर है सुन चुंबकीय द्विध्रुव, आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े होंगे माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज रहता था, इसके बीच की और दूरी 2L होती थी, तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे पी बराबर क्यू इंटू 2L, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े हैं कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या रहा है सुन आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी बराबर क्यू इंटू 2L, कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस चार्ज की होता था, आज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होता है सुन एस से एन की ओर होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस से एन की ओर होती है, देखिएगा यहाँ एन प्लस चार्ज के फॉर्म में है और एस को क्या माइनस चार्ज के रूप में लीजिएगा, यानी इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस से एन की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की होता है, तो याद रहेगा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस से एन की ओर होती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से, अब आपको बतलाया जाएगा इसमें इसमें अब बताया जाएगा चुंबकत्व में कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, तो आपको बताया गया कि ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m से लिखते हैं, तो किसी माध्यम में या किसी समांगी माध्यम में दो ध्रुवों के ध्रुव प्रबलताओं के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल ध्रुव प्रबलता के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप जानते हैं कि दो चुंबक है तो उनके ध्रुवों के बीच बल लगता है, अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो तो विकर्षण का बल, एक नॉर्थ हो एक साउथ हो
तो आकर्षण का बल। तो अब यहाँ कहेंगे हम इसमें कि दो ध्रुवों के बीच, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, लगने वाला बल बल क्या हो सकता है? आकर्षण या विकर्षण। तो कहेंगे कि दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ध्रुवों के प्रबलता या सामर्थ्य, ध्रुवों के प्रबलता या सामर्थ्य, ध्रुवों के प्रबलता या सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या विकर्षण का हो सकता है, ध्रुवों के प्रबलता सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, इसमें ऐसे कोई मैग्नेट है, यहाँ N है, यहाँ S है, यहाँ एक और मैग्नेट है, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, इधर देखिए। मान लीजिए मैग्नेट है, अब मैग्नेट का ये क्या है सुन, N है, ये क्या है सुन, S है। एक R दूरी पर एक और मैग्नेट है कोई, ऐसे इसका क्या है सुन, N S कुछ भी ले सकते हैं, N रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, S लिखेंगे तो रिपल्सन होगा, यानी आकर्षण या विकर्षण का जो बल होगा इसमें, तो इसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है, M, इसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है सुन, M, क्योंकि ध्रुव प्रबलता तो क्या होता है सुन, सेम होता है। तो कहिएगा सुन, दो मैग्नेट है तो उनके निकट वाले ध्रुवों पर बल रहेगा, तो इनके ध्रुवों के बीच, तो दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ध्रुवों के प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो S और N के बीच बल लगेगा, तो S और N के बीच आकर्षण का जो बल F लगता है, वह जो बल होता है वह क्या होता है, इनके प्रबलता के समानुपाती। मान लीजिए कि पहला मैग्नेट था, इसका M1 है, और दूसरा ये मैग्नेट है, इसका क्या है सुन, M2 है, ध्रुव सामर्थ्य। N S बनाए थे, इसमें देखिएगा N S बनाए थे तो इसका M2 है, और इसमें S N बनाए थे, इसका क्या है, M1 है। तो मान लीजिए कि माना कि दो मैग्नेट हैं, पहले मैग्नेट का ध्रुव सामर्थ्य M1 है तथा दूसरे मैग्नेट का ध्रुव सामर्थ्य M2 है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण का बल F इन ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती पाला, तथा यही आकर्षण का बल इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देख लीजिएगा सर, यानी ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य बढ़ेगा तो इनके बीच का आकर्षण बल एक बढ़ेगा, यदि इन ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ेगी तब आकर्षण बल घटेगा, यानी दूरी के साथ जो ध्रुवों के बीच बल लगता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या है सुन, ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के क्या होता है सुन, समानुपाती होता है। तो कहिएगा सुन कि दो चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल F ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती तथा यही बल इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण एक तथा दो को मिलाने से, तो समीकरण एक तथा दो को मिलाएंगे यहाँ, समीकरण एक तथा दो को मिलाने से मिलाएंगे तो क्या रहा सर, एफ समय, यहाँ एम मास मत कहिएगा, एम वन एम टू मास नहीं है, यहाँ एम वन एम टू क्या है सर, ध्रुव का सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है। तो समीकरण एक तथा दो को मिलाने से एफ समानुपाती एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एफ यहाँ क्या लिखेंगे सर, जहाँ यहाँ क्या कहिएगा सर,
यहाँ समानुपाती के बदले के लिखेंगे एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर के तो यहाँ एफ समानुपाती एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर बराबर के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ जहाँ के नियतांक हैं, के का मान प्रयोग विधि से म्यू नोट बाई फोर पाई होता है। म्यू नोट क्या है सुन, म्यू नोट बाई फोर पाई याद रखिएगा सुन, के का मान क्या होता है म्यू नोट बाई फोर पाई। अब देखिएगा यहाँ म्यू नोट का मान क्या होगा सुन, तो म्यू नोट इज इक्वल टू, तो म्यू नोट का जो मान होता है सुन फोर पाई गुणे दस के पावर माइनस सेवन, तो यहाँ म्यू नोट का जो मान होता है फोर पाई गुणे दस के पावर, जहाँ के नियतांक के बराबर म्यू नोट बाई फोर पाई, म्यू नोट का मान होता है फोर पाई गुणे दस के पावर माइनस सेवन हेनरी पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर, याद रखिएगा म्यू नोट का, ठीक है, हेनरी पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर पहले वाला वीडियो में बताया गया है। अब देखिएगा ये म्यू नोट का मान, म्यू नोट तो जानते हैं सुन, म्यू नोट क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता होता है, क्या होता है सर, निर्वात में चुंबकशीलता होता है, क्या कहिएगा सर, निर्वात में चुंबकशीलता होता है। अब तो आप जानते हैं सुन, यहाँ कोई यहाँ क्या है हेनरी पर मीटर, तो यहाँ क्या कहेगा म्यू नोट जो है निर्वात में क्या है सुन चुंबकशीलता होता है म्यू नोट का मान, तो याद रखिएगा एफ बराबर म्यू नोट बाई, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आखिर क्या रहा, एफ बराबर क्या है चुंबकत्व में कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, तो क्या करेंगे इस मान को दर्ज कीजिएगा एफ बराबर म्यू नोट बाई फोर पाई, और क्या है सुन एम वन ध्रुव सामर्थ्य है एम टू बाई क्या रहा है सुन आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम्स तो याद रखिएगा इस सूत्र को, ठीक है। अब देखना है सुन चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकालना है सुन, तो यहाँ लिखे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अथवा प्रबलता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अथवा प्रबलता उस बिंदु पर स्थित एकांक, उस बिंदु पर स्थित काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव, उस बिंदु पर स्थित काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा, क्या लिखा गया सुन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के बराबर होता है। तो किसी देखिएगा किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि चुंबक के चारों ओर वह बिंदु जहाँ तक आकर्षण और विकर्षण बल लगता है वहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं सुन चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, और माने कोई चुंबक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, जो जो चुंबक से दूर जाएंगे घटता जाएगा, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के बराबर होता है। तो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखे हम, बी से लिखेंगे। अगर मान लीजिएगा किसी बिंदु पर एम नोट ध्रुव प्रबलता वाला पर लगने वाला बल क्या है सुन एफ है, यदि किसी बिंदु मैंने चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर एम नोट ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ हो, तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको, बी से लिखते हैं। तो बी बराबर क्या होगा इसमें, एफ बाई एम नोट, यानी इसको कहिएगा सुन एकांक उत्तरी ध्रुव के सामर्थ्य
एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव यानी एकांक उत्तरी ध्रुव के सामर्थ्य पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र कहलाता है चुंबक का। तो यहाँ क्या कहिएगा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र कहलाता है। एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल। एकांक ध्रुव सामर्थ्य को हमने एम नोट से नोट किया, किससे नोट किया, एम नोट से लगने वाला चुंबकीय बल। जिस तरह आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई बराबर एफ बाई क्यू नोट पढ़े हैं, चार्ज से रिलेटेड था, तो यह ध्रुव सामर्थ्य से रिलेटेड है, तो बी बराबर क्या पढ़ेंगे सुन, एफ बाई एम नोट। तो एकांक ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है, कोई दिक्कत है सुन। इसको बी से डिनोट करते हैं, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो एम नोट, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी एफ बाई एम नोट इज इक्वल टू क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी कहलाता है। तो बी बराबर क्या रहा है सुन, एफ बाई एम नोट, कोई दिक्कत। अब रहा है सुन चुंबकीय क्षेत्र के आप मात्रक जानते हैं सुन, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। लास्ट में हम सारे मात्रकों को इसमें एक जगह लिख दे रहे हैं, इसमें पहले देख लीजिएगा। तो बी बराबर क्या है भाई, एम नॉट यानी क्या है इसमें, एकल ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल भी है। जिस तरह आप बिंदु आवेश के कहाँ तीव्रता निकाले हैं, उसी तरह एकल ध्रुव के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या रहा है इसमें। तो बिंदु आवेश के कहाँ तीव्रता क्यू बराबर आर दूरी पर आप पढ़े होंगे, इसमें निकाले हैं सुन, ई बराबर एफ बाई क्यू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, उसी तरह इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें बी बराबर एफ बाई एम यानी एम ध्रुव सामर्थ्य वाले, एम ध्रुव सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य वाले पर चुंबकीय बल, पर चुंबकीय बल क्या होगा इसमें, बी बराबर एफ बाई एम, एम क्या है इसमें ध्रुव सामर्थ्य, एम क्या है सुन ध्रुव सामर्थ्य है। अब आपको बतलाया जा रहा है सुन कि यहाँ, तो अब पढ़ेंगे सुन एकल ध्रुव के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र। माना कि एक चुंबक है सुन और इसके उत्तरी ध्रुव का सामर्थ्य क्या है सुन, स्मॉल एम है। इससे आर दूरी पर एक यूनिट परीक्षण ध्रुव सामर्थ्य क्या है सुन, एम नॉट है, क्या सुन एम नॉट है। तो यहाँ से क्या है सुन, यहाँ पी बिंदु पर क्या निकालना है सुन, हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एकल ध्रुव के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र। तो एकल ध्रुव के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ मान लीजिए कि माना कि एम ध्रुव सामर्थ्य वाला उत्तरी ध्रुव है, माना कि एम ध्रुव सामर्थ्य वाला उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है जिससे आर दूरी पर एम नोट है, एम नोट परीक्षण ध्रुव सामर्थ्य, एम नोट परीक्षण ध्रुव सामर्थ्य है। तो इनके बीच, तो इनके बीच लगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, तो इनके बीच लगा चुंबकीय बल एफ बराबर अभी निकाले इसके बल है म्यू नोट बाई फोर पाई एम इंटू एम नोट बाई आर स्क्वायर। तो इनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल ही रहा। अब आप पढ़े होंगे इसमें एफ बराबर बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, क्या निकालना है सर, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र अभी आप पढ़ें कि बी बराबर क्या होता है सर,
तो एकल ध्रुव का ऐसे का आर दूरी के पी बिंदु पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब यहाँ क्या निकालेंगे, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालेंगे कितना होगा, इससे नॉर्थ पोल के ध्रुव सामर्थ्य का आर दूरी के यहाँ पी बिंदु पर चुंबक। तो बी बराबर आप पढ़े हैं एफ बाई एम नोट, तो बी इज इक्वल टू क्या, एफ का मान मालूम है आपको, म्यू नोट बाई फोर पाई एम इंटू एम नोट बाई आर स्क्वायर, एम नोट से एम नोट क्या सुन कट गया, बी बराबर क्या आया आपका म्यू नोट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा सुन, यही क्या रहा एकल ध्रुव के कहा चुंबकीय क्षेत्र रहा, ये क्या रहा है सुन एकल ध्रुव के कहा चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर म्यू नोट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे सुन, तो आप माना कि एम ध्रुव का सामर्थ्य, एम ध्रुव सामर्थ्य वाला उत्तरी ध्रुव है, इसे आर दूरी के पी बिंदु पर क्या है सुन एम नोट परीक्षण ध्रुव सामर्थ्य है, जिस पर क्या है सुन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो पहले चुंबकीय बल निकालें और चुंबकीय क्षेत्र, अब क्या निकालें सुन, अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आप जानते हैं सुन क्या होता है कि B इज इक्वल टू एफ बाई एम नॉट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर बाई एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर, एम नॉट से एम नॉट कट गया, बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर बाई एम बाई आर स्क्वायर। तो अब इसको आप जान चुके, याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें मिलेंगे। अब यहाँ एकल ध्रुव के कहा चुंबकीय क्षेत्र, एक बिंदु अब देगा, अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसमें एक ध्रुव सामर्थ्य यहाँ दे रहे स्मॉल एम, आई से आर दूरी के पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं, तो क्या कहिएगा इसमें एम ध्रुव सामर्थ्य वाले मैग्नेट से आर दूरी के पी बिंदु पर एकल है, इससे नहीं एकल ध्रुव से निकालना है, तो इस एकल ध्रुव का सामर्थ्य एम है, इससे आर दूरी के पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बी बराबर क्या निकालेंगे म्यू नोट बाई फोर पाई और क्या रहा एम बाई आर स्क्वायर, यही रहा मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं सुन क्यू आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू आवेश से आर दूरी के पी बिंदु पर तीव्रता निकाले थे हम, ई बराबर वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, याद पड़ रहा है सुन। तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया, यानी चुंबक एकल ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नोट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा ठीक है। तो यह क्या है किसी आवेश के कहा आर दूरी के पी बिंदु पर तीव्रता, तो आवेश के कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, आज चुंबक के ध्रुव के कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो यहाँ बी बराबर म्यू नोट बाई फोर पाई यानी कॉन्स्टेंट वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है विद्युत में, आज चुंबक में क्या होता है म्यू नोट बाई फोर पाई, यहाँ चार्ज क्यू के कहा था, यहाँ क्या है इसमें यहाँ ध्रुव सामर्थ्य कहाँ है, तो बी बराबर म्यू नोट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा एकल ध्रुव के कहा चुंबकीय क्षेत्र। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थैंक्स।